राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर के 40,000 के लगभग जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं इस अमरनाथ यात्रा के लिए उनको जगह जगह डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन जिस प्रकार का जो परसों रात को हादसा हुआ वो बड़ा कायरतापूर्ण और उसकी मैं निंदा करता हूँ। कुल मिलाकर के अभी भी बहुत से सिक्योरिटी मेजर्स लेने की जरूरत है, जहाँ पर कमियाँ हैं जो बताया गया। हालांकि हर नागरिक को अधिकार है, वो किसी भी समय किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता है, लेकिन राज्य में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा पर ये मिलिटेंट्स अटैक का एक खतरा पहले ही मंडरा रहा था और उन्होंने अपना कार्य किया भी, लेकिन हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी सुरक्षा बल इसके लिए सक्षम है कि आने वाले समय में उन आतंकवाद को यहाँ से मिटाएंगे। और जिस प्रकार से हमारी राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा जी ने और केंद्र सरकार में गृह मंत्री जी ने मीटिंग ली है और यहाँ पर हमारे सेना प्रमुख का भी दौरा हुआ है, आने वाला समय उन लोगों को हम यहाँ आतंकवाद को ख़त्म करें इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। सर, यात्रा में अटैक की वजह से जो कमी आएगी उसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों का मनोबल आज भी ऊंचा है, जितने परसों यात्री गए थे उससे बढ़कर के आज यात्री गए हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं। आस्था का जहां तक प्रश्न है, पूरे लोग उसके लिए बड़े जोश और मनोबल को ऊपर लेकर के वहां पर जा रहे हैं। आज भी वो जत्था यहां से गया है।